गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में फ्लोट करता है और किस कंडीशन में सिंक करता है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर में आर्किमिडिक प्रिंसिपल के बारे में समझा, बायोगेंट फोर्स के बारे में जाना एंड मैनी ऑफ द थिंग्स हमने जानी। आज हम जानेंगे वो कौन सी कंडीशन होती हैं जिन कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है और वहीं दूसरा ऑब्जेक्ट डूब जाता है। हम जैसा कि देखते हैं, हम लोगों ने कॉमनली इस बात को नोटिफाई किया होगा कि आयरन की नेल डूब जाती है लेकिन उतने ही साइज की एक लकड़ी वो डूबती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? हम इसके बारे में भी इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। वो क्या कंडीशन होती हैं जिन कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, वो क्या कंडीशन होती हैं जिन कंडीशन में आकर के एक ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट एंड व्हेन ऑब्जेक्ट विल सिंक, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। व्हेन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, कब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और कब ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। तो इसके लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी। हम तीन कंटेनर्स लेंगे। इसको समझने के लिए वी आर टेक थ्री कंटेनर्स। कंटेनर वन, कंटेनर नंबर टू एंड कंटेनर नंबर थ्री। ये तीन कंटेनर है हमारे पास और इन तीन कंटेनर में हमने लिक्विड फिल किया। We fill liquid in it. इस प्रकार से हमने इसमें लिक्विड फिल किया, इसमें भी हमने लिक्विड फिल किया। We fill liquid also in it. सभी में हमने लिक्विड फिल कर दिया है। We are going to fill liquid in all of them. इन सभी में हमने लिक्विड फिल किया हुआ है। We are going to fill liquid. ये हमारे पास पहला बीकर है, फर्स्ट बीकर। इट इज अ सेकेंड बीकर एंड इट इज अ थर्ड बीकर वी आर गोइंग टू बी है। ये तीन बीकर हमारे पास हैं हमारी स्टडी करने के लिए। नाउ हम तीन ऑब्जेक्ट इसके अंदर डालेंगे और देखेंगे क्या होता है। हमने पहला ऑब्जेक्ट डाला यहां पर, एक ऑब्जेक्ट हम यहां पर यहां से पानी के अंदर इसे हमने ऐसे पुट किया। कंडीशन फर्स्ट। इसी प्रकार हमने क्या किया, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया या सेकंड ऑब्जेक्ट दिस और उसे हमने डाला यहां पर ऐसे कुछ डाला। एंड थर्ड वन ऑब्जेक्ट, नाउ थर्ड वन ऑब्जेक्ट हमने लिया, इट इज दिस और इसे भी हमने यहां पर डाला। हमने यहां पर इसको पुट डाउन किया। इस तरीके से हमने तीन विकर्स लिए और तीन विकर्स के अंदर बॉल्स को डाला और पुट डाउन किया और देखा कि हमारे पास क्या मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं, नीचे डालते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक बायोगेंट फोर्स जो होती है वो एक्सपीरियंस होती है। तो इन सभी कंडीशंस में बायोगेंट फोर्स लगी, देयर इज अ बायोगेंट फोर्स और इन सबका वॉल्यूम सेम है, दे ऑल हैव सेम वॉल्यूम। एक बात हम बता दें, इन सबका वॉल्यूम जो है सेम है। अब जब वॉल्यूम सेम है तो सब पे जो बायोगेंट फोर्स लग रही है वो भी सेम होगी। बायोगेंट फोर्स कैसी है सब में? बायोगेंट फोर्स इन ऑल द केसेस इज गोइंग टू बी सेम। हम तीन पॉइंट बनाते हैं। इस प्रकार से तीनों कंडीशन में बायोगेंट फोर्स सेम है। अब क्या हुआ कि जब हम यहां देखते हैं तो क्या हो रहा है कि जब ऑब्जेक्ट एक बायोगेंट फोर्स अपवर्ड थ्रस्ट महसूस कर रहा है तो उसे एक उसके वेट की वजह से भी कोई फोर्स है जो कि उसे नीचे ले जा रही है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं इस कंडीशन में, जो बायोगेंट फोर्स है वो ज्यादा है। इन फर्स्ट कंडीशन हम स्पष्ट कंडीशन देख रहे हैं, बायोगेंट फोर्स, बायोगेंट फोर्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वेट ऑफ
ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से हमारी बायोगेंट फोर्स है वो ज्यादा है। इसी वजह से हम ये देखते हैं कि कुछ समय के बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है दोबारा से इस सरफेस पर आ जाता है। यहां से जैसे हमें छोड़ेंगे उतर के ऑन सरफेस आ जाएगा, ऑन सरफेस ये जो है सरफेस पर आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या देखा कि जो बैकग्राउंड फोर्स लग रही है और जो वेट जो है ये हमने यहां देखा बायोगेंट फोर्स, बायोगेंट फोर्स जो बराबर है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है बॉडी हमारी उसके वेट के बराबर है, जो बायोगेंट फोर्स लग रही है हमारी बॉडी पर वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लो करता है ऑन द लेवल ऑफ वाटर, इट इज गोइंग टू फ्लोट इन वाटर एट द टॉप ऑफ द सरफेस, टॉप ऑफ द सरफेस पर ये फ्लोट करता है। वहीं फाइनल कंडीशन में हम देखते हैं कि जो बायोगेंट फोर्स लग रही थी वो कम है और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक डाउन कर जाता है, दैट ऑब्जेक्ट गेट्स सिंक डाउन एंड टच द सरफेस, वो सिंक कर जाता है और सरफेस को टच कर लेता है। कंडीशन क्या थी, इस कंडीशन में बायोगेंट फोर्स, बायोगेंट फोर्स वो कम पड़ गई और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो ज्यादा रहा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो था वो ज्यादा हो गया जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट जो था डूब गया। तो इस बात को देखते हुए हमारे पास तीन कंडीशन निकल के आती हैं, एक कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा, कब सिंक करेगा और कब तैरेगा। इस बात को देखकर हम तीन कंडीशन से इस बात को समझाने की कोशिश सबको करेंगे। सो वी हैव फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट व्हेन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ या हमने पहले बायोगेंट फोर्स लिए लेकिन अब वेट बोल दिया है, व्हेन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन बायोगेंट फोर्स, बायोगेंट फोर्स जब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है लेस होगा बायोगेंट फोर्स से, ये हमारी नीचे वाली बायोगेंट फोर्स है इससे कम होगा, देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, फर्स्ट कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। सेकंड कंडीशन, हाँ कंडीशन सेकंड, व्हेन बायोगेंट फोर्स सेम टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द बायोगेंट फोर्स, व्हेन वेट ऑफ द लिक्विड इक्वल टू बायोगेंट फोर्स देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर, ये लिक्विड से ऊपर तैरेगा इसमें, ये लिक्विड से लिक्विड में तैरेगा, इट विल ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन लिक्विड, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड के अंदर फ्लोट करेगा। नेक्स्ट इज कंडीशन नंबर थ्री, कंडीशन नंबर थ्री, इस कंडीशन में व्हेन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन बायोगेंट फोर्स, वैसी कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा, व्हेन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन बायोगेंट फोर्स देन ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट गेट सिंक,
ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा। तो ये तीन कंडीशन हमारे पास होती हैं। पहली कंडीशन, जब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है कम होता है बैगन फोर्स से, तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है ऑन द सरफेस। जब वेट ऑफ द लिक्विड, जो हमारा वेट ऑफ द लिक्विड है वो इक्वल होता है बैगन फोर्स के, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो इन द लिक्विड फ्लोट करता है, लिक्विड के अंदर फ्लोट करता है। वहीं अगर वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड है वो कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है बैगन फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है। इस प्रकार से हमारी तीन कंडीशन रहती हैं जिनके बेसिस पर हम ये आइडिया लगाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। तो इस तरीके से हम रोटेशन और सिंकिंग के बारे में आइडिया लगाते हैं। नाउ वन मोर थिंग, हम यहां पर बोल रहे हैं हाँ, तो इनमें से हमें कंक्लूजन क्या निकला, व्हाट वी गेट एट कंक्लूजन, हमें कंक्लूजन के रूप में ये मिला कि अगर कंक्लूजन फर्स्ट, इफ बायोगेंट फोर्स मोर, अगर बायोगेंट फोर्स ज्यादा है और वेट ऑफ लिक्विड कम है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। वहीं सेकंड, बायोगेंट फोर्स तो हमने बोला अब तक क्या डिवाइड हमने देखा, बायोगेंट फोर्स ज्यादा होती है वेट ऑफ द लिक्विड से तो इस कंडी जो फ्लोट करता है, बायोगेंट फोर्स बराबर होती है तो फ्लोट इन द लिक्विड, एंड बायोगेंट फोर्स कम होती है तो सिंक कर जाता है। तो इसके बाद अब हम समझेंगे कंडीशन फॉर फ्लोटेशन, वो क्या कंडीशन होती हैं जिन कंडीशन में आकर के ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है या फिर सिंक कर जाता है। कंडीशन फॉर फ्लोटेशन, कंडीशन फॉर फ्लोटेशन कंडीशन फॉर फ्लोटेशन, फ्लोट करने की कंडीशन क्या क्या होती है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर फ्लोटेशन। तो इसके लिए हम यहां देखेंगे वो कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। तो जैसा अभी हमने जाना कि अगर वायोगेंट फोर्स, वायोगेंट फोर्स जो है अगर वो बराबर होती है, द बायोगेंट फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड मिनिमम कंडीशन बता रहे हैं हम। तो ऐसी कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा लिक्विड के अंदर। हाँ, एंड ये कंडीशन हमारे पास आई थी फ्लोट विद इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर फ्लोट करेगा। वहीं हमने एक और बात सुनी है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बायोगेंट फोर्स होती है, बायोगेंट फोर्स वो बराबर होती है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कि कितना लिक्विड जो है बॉडी द्वारा डिस्प्लेस किया गया है। जो हमारी बायोगेंट फोर्स होती है वो इस पर डिपेंड करती है कि कितना वेट ऑफ लिक्विड बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किया गया है। तो अब हम इन दोनों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम यहां पे लिक्विड नहीं ऑब्जेक्ट बोल रहे थे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा, कंडीशन होगी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस
वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये कंडीशन हमारी होती है फॉर फ्लोटेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा तो उसके लिए मिनिमम कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसका जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना होना चाहिए जितना कि उसका वेट है, उसने उतना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया तो वो फ्लोट करेगा। अगर उसने इतना नहीं किया तो वो सिंक कर जाएगा। तो हम इसे भी लिख लेते हैं कैसे, कंडीशन इसमें कैसे आएंगी। कंडीशन फर्स्ट कहेगी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस से ज्यादा है ऑब्जेक्ट का वेट, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट गेट सिंक। ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें कि इसमें जो वेट था इसका, तो जो वॉल्यूम था उतना वो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाया, उतना लिक्विड ये डिस्प्लेस नहीं कर पाया। अगर उसने इतना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया होता तो ये फ्लोट करता लाइक डेड बॉडी। नाउ कंडीशन सेकंड के अंदर अगर हमारा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो बराबर है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है फ्लोट करेगा विद इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर फ्लोट कर सकता है, इट इज अ मिनिमम कंडीशन। मतलब कि उसने अपने वेट के अकॉर्डिंग उसने अपना वाटर डिस्प्लेस कर दिया है, वाटर डिस्प्लेस कर दिया अपने वेट के अकॉर्डिंग तो फ्लोट कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट कैन फ्लोट इन द लिक्विड। एंड कंडीशन थर्ड व्हाट द कंडीशन थर्ड सेड। कंडीशन थर्ड कहती है अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कम है वेट ऑफ लिक्विड तो भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, देन ऑब्जेक्ट फ्लोट। इस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। दोनों कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करके दिखाएगा, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन बोथ द कंडीशंस। नाउ लेट अस टेक क्विक रिव्यू। जब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा तब ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। अगर बायोगेंट फोर्स ज्यादा है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से तो ऐसी कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। फर्स्ट कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा, फ्लोट ऑन सरफेस, सरफेस पर फ्लोट करेगा। थर्ड कंडीशन में बायोगेंट फोर्स और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर है तो फ्लोट ऑन द सरफेस, फ्लोट इन लिक्विड में फ्लोट करेगा अगर बायोगेंट फोर्स और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है तो। वहीं नेक्स्ट कंडीशन ज्यादा है तो हमारा ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, आवर ऑब्जेक्ट गेट्स सिंक डाउन, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा। दीज आर सम कंडीशंस फॉर अस। नाउ कंडीशन फॉर फ्लोटेशन, फ्लोट करने की क्या क्या कंडीशन होती है। कंडीशन फ्लोटेशन में हमने जैसे बताया कि अगर मिनिमम कंडीशन ये है कि बायोगेंट फोर्स जो बराबर होनी चाहिए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के, अगर ये दोनों बराबर होंगी तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा लिक्विड में। लेकिन आर्किमिडिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बायोगेंट फोर्स जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होती है, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को मिलाकर के हम कह सकते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होगा। सो कंडीशन इस बात को देखिए हमारे पास कंडीशन क्या क्या आती है। कंडीशन तीन कंडीशन निकलती है। पहली कंडीशन
अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मतलब ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, ऑब्जेक्ट गेट सिंक। कंडीशन सेकंड में वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस दोनों बराबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा लिक्विड के अंदर। कंडीशन थर्ड के अंदर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कम है और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करेगा। दीज आर द कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और व्हाई ऑब्जेक्ट सिंक।